साथ एक बार गायत्री मंत्र सर ने हम लोगों को समय दिया, यह हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और आप जानते हैं कि सर जिस जगह पे हैं वहाँ एक एक मिनट एक एक सेकेंड का अपना एक महत्व होता है। सर के पास जब हम लोग पहुंचे तो सर ने शुरू में कहा कि हम तो आपके भी जाते रहते हैं, फिर कभी चलेंगे। इस बार हमने कहा सर सारे लोग डिमांड किए हैं कि नहीं सर अगर आए स्वामी जी के जन्मदिन पर उनके लिए हम लोगों का ये कहें, हम लोगों का निवेदन सरलता से सबने स्वीकार कर लिया और आपने कहा कि ठीक है आपके बीच हम आएंगे। सबसे पहले सर से हम लोगों का परिचय हुआ, मुझे याद है सर पटना के सिटी एसपी थे और किसी चीज से हम लोग वहां सर के पास पहुंचे थे। उस समय सर से हम लोगों का कोई ये नहीं था, एक स्लिप अंदर सर तुरंत हम लोगों को बुलाए और अखंड ज्योति पत्रिका सर के पास हम लोग उस समय दिए। उस समय से लगातार किसी न किसी विधि से युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार के कार्यक्रम में सर का आना जाना लगा रहा और हम लोगों के बीच आप आते रहे, आपका उद्बोधन हम लोग सुनते रहे। हम लोग हर रविवार को ये कार्यक्रम चलाते ही हैं। अब तो बिहार के विभिन्न जिले में भी ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। हर जिला मुख्यालय जहाँ गायत्री परिवार का है ये युवा आंदोलन, उनको अच्छे विचार से जोड़ना, स्वामी जी का जो सपना था कि भारत के युवा कैसे हों उसके लिए प्रयास हम लोगों का सदैव चलते रहता है। और आज बिहार के विभिन्न जिला मुख्यालय में गायत्री शक्ति की जहाँ भी हमारा है हर जगह हमारे युवा साथी जुड़ रहे हैं और ये कार्यक्रम वहाँ चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम लोगों के लिए बड़ा अनुभव का दिन रहा, पहली बार बिहार के सारे जिलों में एक साथ आज युवा दिवस मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। हम लोगों का भी इसका अनुभव था नहीं कि जेल के अंदर जाके कैदियों के बीच कैसे बात किया जा सकता है, कैसे उनको कहा जा सकता है, लेकिन आज एक अवसर मिला और पूरे बिहार के विभिन्न जेलों में हम लोगों का आज युवा दिवस मनाया गया। हम लोग भी आज बिहार के बेऊर जेल में दिन में वहाँ कार्यक्रम करने कैदियों के बीच थे। बहुत अच्छा अनुभव हुआ, हमें लगा कैदियों के बीच जाने के बाद इनके अंदर भी अगर परिवर्तन के लिए प्रयास किया जाए, पुरुषार्थ किया जाए तो बहुत सारे लोग सही रास्ते पे आने के लिए तैयार हैं। तो आने वाला समय भारत का है, भारत फिर से पूरे दुनिया में जगत गुरु की उपाधि प्राप्त करे, पूरे विश्व को रास्ता दिखाने वाला राष्ट्र बने। अब वो समय महर्षि अरविंद के अनुसार 2026 तक का जो समय है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हम सभी युवा यहाँ बैठे हैं। हम लोग भी आज सर के उद्बोधन को सुनेंगे, स्वामी जी पर आपका चिंतन मनन विचार हम लोग सुनेंगे। आज बहुत समय नहीं लेते हुए हम अपने एक उदारता बंधु से कहेंगे जो हमारे गायक भाई हैं पंकज जी, आप सदैव हम लोगों के बीच देते हैं, खादीग्राम लोग में आप सर्विस भी करते हैं, आप छुट्टी लेके हम लोगों के बीच आए हैं तो आपका भी हम स्वागत करते हैं इस मन से कि आप हमारे बीच आए हैं। और स्वामी विवेकानंद पर एक संगीत, उसके बाद ज्यादा समय नहीं लेते हुए सर का उद्बोधन स्वामी विवेकानंद पर, जो कि राष्ट्रीय युवा दिवस है, हम सबके प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद हमको कैसे उनके सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए ये बातें आपको अब सुनने को मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। Thank you.
Thank you.